अच्छा, सवाल यह है कि क्या एक काम करना है लेकिन नहीं कर पा रहे, क्या करें? होता है ना भाई, बार बार पता भी काम के बारे में आप क्लियर होते हो, अरे करना है, जरूरी है, लेकिन नहीं कर पाते। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने जो इंसान की साख बनाई ना, इंसान के अंदर एक चीज़ है जिसको नफ्स कहते हैं, नफ्स हमारा, उसकी राइट टर्म है। नफ्स हमारे की साख क्या है? नफ्स हमारे की साख ऐसी है कि वो प्लेजर के पीछे भागती है और पेन को अवॉइड करती है। क्या प्लेजर के पीछे भागती है? जो भी चीज जिससे उसको मजा आता है, अच्छा लगता है, वो उसके पीछे भागती है और पेन को अवॉइड करती है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी की होती है, यानी कि जो सामने की चीज है उसको देखती है। मिसाल उसकी समझ लें, मिसाल उसकी बहुत सिंपल सी है कि एक बंदा है जो उसके सामने खाना है, चिप्स आ गए, अब वो चिप्स खाया जा रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसके साथ वो मायोनीज भी लगा रहा है। उसे पता है कि भाई उसकी जो जरूरत है उससे ज्यादा वो खा चुका है, लेकिन फिर भी खाया जा रहा है क्योंकि मजा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद उसके कोई कहता है, यार तुम्हारा जो है वजन बढ़ रहा है, तुम्हें ब्लड प्रेशर शुगर हो सकता है, तुम्हें घुटनों में तकलीफ हो सकती है, जाओ जरा मैदान में दौड़ो, जिम चले जाओ। वो बोलेगा, यार मैं जाऊंगा, दौड़ूंगा, मुझे पाँव में दर्द होगा, तो वो पेन अवॉइड करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो ज्यादा खा के, एक्सरसाइज ना करके अपने लिए पेन बढ़ा रहा है और अपने प्लेजर कम कर रहा है। जब उसे शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो उसको उसकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाएगी, वो ज्यादा पेन में होगा, वो ज्यादा प्लेजर छोड़ेगा। लेकिन वक्ती तौर पे वो प्लेजर और पेन के पीछे जाके अपना नुकसान कर देता है। सिमिलरली जिंदगी के बहुत सारे मैटर्स में ऐसे ही हो रहा होता है। अब आपको क्या करना है? नफ्से हमारा के ऊपर आप नफ्से मुतमईना पे तो नहीं बैठे हुए कि नफ्से हमारा को आप कंट्रोल कर सको। आपको करना ये होता है कि अपने जो काम आपने करने हैं उनके साथ प्लेजर एसोसिएट कर दें और उनके ना करने से पेन एसोसिएट कर दें। मिसाल के तौर पे भी चंद रोज पहले एक साहब आए जो तकरीबन बहुत ही रीजनेबल साहब थे, इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं, और वो बता रहे थे कि जी उनको डिजिटल बिजनेस अब उनको शुरू करना है क्योंकि उनकी फील्ड्स अब नीचे चली गई हैं, जॉब की एज खत्म हो गई है, रेवेन्यू उन्होंने अगले 5-6 साल तो उनको लाजमी एक मुस्तकिल इनकम चाहिए, और बिजनेस अगर वो करने जाते हैं, एक बिजनेस वो फ्लॉप कर चुके हैं, दूसरा वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो ये फ्लॉप होता है तो उनके बच्चे क्या कहेंगे, और उनकी बेगम साहब ऑलरेडी उन्हें ये कहती हैं कि भाई आप एक बिजनेस फ्लॉप कर चुके हैं, तो वो उस पर ताने उनको ऑलरेडी मिल रहा है। तो अब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको पता है यही उनके लिए बेहतर है, लेकिन उसके साथ एक पेन एसोसिएटेड है जो उनका फ्लॉप बिजनेस है, और एक फेयर एसोसिएटेड है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। अब उनको फ्लिप करना है, गेम उनको मोड़ना है। उनको गेम कैसे मोड़ना है? उनको जहन में ये डालना है कि भाई ये अगर बिजनेस हो जाता है तो मुझे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो अपने नफ्स को वो सारे सारे रिवॉर्ड्स दिखाएंगे। तो जो वक्ती पेन है, जो बिजनेस की स्ट्रगल है, वो करने के लिए उनका उनका जहन तैयार हो जाएगा। तो आपको जो काम भी करना है उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई रिजल्ट्स होंगे ना, जो अल्टीमेट रिजल्ट्स होंगे जिसको अचीव करके आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर जिम जाके अगर आप देखते हैं एक शानदार बॉडी है, फिट हेल्दी इंसान है, तो आप उस फिट हेल्दी इंसान की जो फीलिंग्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, उसको आप फील करते हैं, तो आपको वो मोटिवेशन आती है, यार ये चीज चाहिए, ये वाला प्लेजर मुझे चाहिए। और साथ में आप पेन भी डाल सकते हैं कि यार अगर मैं नहीं ये करता काम, चाहे वो बिजनेस है, जिम है, या जो भी आपके काम है, तो आप उसके साथ वो पेन एसोसिएट करते हैं कि भाई अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। मैं एक आध साल में मजीद, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की जिन साहब की मिसाल कर रहा हूँ, उनको पता है कि उनको अब जॉब नहीं मिल रही, कंसल्टेंसी या काम कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, सेविंग खत्म हो जाएगी, उनके पास और मसाइल आएंगे, तो वो उसका फियर या उसका जो पेन है वो एसोसिएट कर सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए वो ये सारे काम कर सकते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है और आपको देखते हैं कि यार ये पेन और प्लेजर के गेम में आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़े से भी सेंसिबल हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरह पेन और प्लेजर से प्ले करना है, तो आप उसको पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं अपने फेवर में। मैकेनिज्म उसको आप छेड़ नहीं सकते, मैकेनिज्म को छेड़ने के लिए आपको अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इतना ऊपर हमारे लिए जाना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। बस उस मैकेनिज्म में रहते हुए अपने आप को किस तरीके से लेके चलना है, ये है सारा गेम। अस्सलाम वालेकुम।